इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। खबर के सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं ललितपुर जिले की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरों पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले के तहसील पाली के बलाबेहट मुख्य तिराहे रेंज चौकी पर सार्वजनिक स्तर पर बेखौफ होकर एक किराने के खोखे में शराब बेची जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि किसी भी सूरत में अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। तो वहीं थाना पाली पुलिस तथा आबकारी विभाग के संरक्षण पाली में कई जगह से कच्ची व पक्की अवैध शराब आसानी से मिल जाती है। पाली क्षेत्र के कई गांवों में कई जगह शराब की बिक्री जोरों पर है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई न होने के कारण इनके हौसले बुलंद है। क्या कोई बड़ी अनहोनी घटना होने के बाद थाना पाली पुलिस व आबकारी विभाग अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागेगा? ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट। ये मामला ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दूधई का है, जहां थाना पाली पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला। जहां थाना पाली पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक दिखी और उल्टा पीड़ित को ही 3 दिन थाने में बंद रखा और डॉक्टरी कराकर छोड़ दिया। फिर से उन दबंगों दरिंदों के पास एक मुकदमा वापस लेने को लेकर पीड़ित पर बनाया जा रहा है दबाव। पीड़ित फरियादी ने ललितपुर पुलिस मुख्यालय आकर ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार से लगाई न्याय की गुहार। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट। कोविड-19 के मद्देनजर ललितपुर शहर में नगर पालिका परिषद द्वारा वीकली लॉकडाउन के दौरान शनिवार देर शाम विशेष स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों द्वारा वृहद स्तर पर पूरे नगर में किया गया एवं कोविड-19 के चलते शहर के नागरिकों में स्वच्छता के साथ रहने की विशेष अपील की गई, जिससे कि इस महामारी के दौर में सभी को निजात मिल सके। तो वहीं दिन में भी नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों द्वारा पूरे नगर में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का कार्य लगातार जारी रहा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने आज क्षेत्र के भ्रमण में ग्राम गदयाना के नए CSC में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया व ग्राम वस्तुगुवा में वृक्षारोपण कर लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रेरित किया। उन लोगों से अपील की कि सभी लोग एक वृक्ष जरूर लगाएं और ब्लॉक बार में जाकर किसान भाइयों को उर्द मिनी किट वितरण की। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर आंगनबाड़ी केंद्र की झांसी मंडल अध्यक्ष प्रतिभा कौशिक ने आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। इस दौरान भारत सरकार से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ये मांग करता है कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू हो, क्योंकि कुछ स्टेटों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा जिले में बैंकों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत महरौनी कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार वर्मा के निर्देशानुसार कस्बा इंचार्ज ने पुलिस बल के साथ नगर के सभी बैंकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सभी बैंक में मौजूद कर्मचारियों एवं मौजूद लोगों से मास्क के साथ साथ 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बैंक में लगे सभी सुरक्षा से संबंधित उपकरण देखे एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भीषण उमस भरी गर्मी के बीच अचानक मौसम में हुए बदलाव को लेकर ललितपुर जिले की तहसील महरौनी में हुई झमाझम बारिश से, जिससे बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से क्षेत्रवासियों को मिली राहत। ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देशानुसार महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे एंटी रोमियो अभियान के तहत महिला कांस्टेबलों द्वारा नगर के सभी प्रमुख स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा युवतियों और महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें सुरक्षा संबंधित कुछ टिप्स भी गिफ्ट दिए गए। ललितपुर जिले के तहसील पाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैरवारा निवासी बाबूलाल उम्र लगभग 38 वर्ष महरौनी से अपने घर बैरवारा की तरफ वापस आ रहा था, तभी अचानक ग्राम किसरदा के पास सड़क पर बाइक के सामने अचानक गाय आ जाने के चलते वह अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों की मदद से उसे 108 एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट।
ललितपुर जिले के कस्बा बांसी में जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे कल्लू महाराज ने किया नित्या मेडिकल का शुभारंभ। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बांसी से अनुराग कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रगति रक्तदान सेवा समिति के सदस्य सुरेश कुमार ने पहली बार किया रक्तदान। उन्होंने तिलक अहिरवार की पुत्री गिरजा अहिरवार जो कि गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती थी उसे रक्तदान कर उसकी प्राण बचाए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेगवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर लाइव टीवी की खबर का हुआ असर। विगत दिवस ललितपुर शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर एक दबंग लेडी महिला द्वारा बीच रोड पर एक महिला के साथ हुई मारपीट के मामले में हुए वायरल वीडियो को लेकर दबंग लेडी महिला के खिलाफ थाना शहर कोतवाली में गंभीर धाराओं में हुआ मामला दर्ज। आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेगवार के राजा की रिपोर्ट। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की आज की कोविड 19 रिपोर्ट पर। ललितपुर जिले में आज की कोरोना रिपोर्ट में नहीं मिला कोई भी कोरोना पॉजिटिव साथ ही कोरोना किया गया तथा जिले में अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 12 शेष चल रही है तथा जिले का रिकवरी रेट 98.90 चल रहा है एवं जिले में आज कोरोना की 2735 जाँचें हुई थी लेकिन कोरोना काल के समय से अभी तक कोरोना की 2890 जाँचें पेंडिंग चल रही है। ललितपुर लाइव टीवी आप सभी से अपील करता है कि शासन प्रशासन की सभी गाइडलाइनों का समय समय पर पालन करें जिससे कि इस महामारी दौर से बचा जा सके और तीसरी लहर को समय से रोका जा सके। इसमें हम सभी की भलाई एवं सुरक्षा है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये थी आज की ललितपुर जिले की प्रमुख और खास खबरें। आगे की ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि हर खबर प्रमुख आपको समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।